मोस्टली लोग शायद ये सोचो कि मैंने गाड़ी सेल कर देनी, नहीं ऐसा नहीं है। दरगाम गाड़ी लेके गया था, उसकी गाड़ी ये खरीद मेरी गाड़ी वो लेके अभी अभी आया है और मैं सही रात का नहीं सोया। जैसे कि आप सबको पता मैं का उठा तो जाता नहीं है, उठने आया उसे काम देखे गाड़ी स्टार्ट करके बैठा हुआ है। जैसे पेट्रोल गलती है टंकी फुल करा ही दी थी ना, बस पीछे पड़ जाते लोग के पेट्रोल की टंकी फुल क्यों है। ऐसे बंदे होते हैं बेशरम बंदे होते हैं, जे शर्म जिनको ज़रा ख्याल नहीं होता पेट्रोल का, पेट्रोल डलवा के देनी होती है गाड़ी। नहीं शर्म तो दरगाम के अंदर शर्म आई नहीं ना, बिल्कुल शर्म नहीं है। शर्म गैरत वो बंदा मार के पैदा हुआ अपनी गुजार। ये बच्चों के लिए नहीं होता इसलिए कह रहा हूँ इधर दे, तेरा हाथ में अच्छा नहीं लग रहा। मैं लेके जा रहा हूँ साथ में आपके भाई ने, वो ईद आ रही है ना तो मुर्गियाँ जुबा कर बड़ी ईद अभी टाइम है भाई ले ली में से। मैं साढ़े पार्क भी सफाई कर दिया इसको रखो पीछे, चल निकाल गाड़ी यार। तो कहाँ पर था मैं, हाँ मैं इसकी बुराइयाँ कर रहा था। गाली नहीं देनी, चलो यार गाली नहीं देनी, रमजान है नहायत जलील बंदा ये जिसने 300 रेंज दी, इसको मैंने 400 रेंज दी थी। ओए ला ला माँ पर कितना नपता है बंदा, गाड़ी 13 एवरेज थी इसे 12.9 कर दी है 5। इस बंदे का पाउंड नहीं ठीक है, ये बंदा भरोसे के काबिल नहीं रहा। अब मैं इसको बताऊंगा, इसका मैं साफ लगाऊंगा, इसकी गाड़ी लेके जाऊंगा और खड़ी करके करके नीचे एसी लगा के ऊपर चला जाऊंगा, फिर आधे घंटे बाद आके नीचे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हफ्ता है तो जैसे बता सचे ट्रक आपको देखने को मिलेगा। और आज मैं पता ही शायद मुझे डॉल्फिन पकड़ ले मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन शायद पकड़ पकड़ा भी जा सकता हूँ पिछली दफा कोई सीन हुआ तो, लेकिन इट्स ओके। मैंने कहा इस गाड़ी को पेंट के लिए खड़ा कर लिया, सीकेट भी पेंट होनी है, ये भी पेंट होनी है, इसको खड़ा कर दूँगा। गाड़ी फ्रंट पे खड़ी थी यार, जो मर्जी कलर है यार, सिटी सिटी है, लाइक एसी भी चलता रहता है, उसका एसी भी बंद करना पड़ता है बार बार, एसी चलता रहता है गाड़ी फुल, मतलब मुझे बड़ा, मुझे ना यकीन मानो सिविक से ज्यादा मैं सिटी से पसंद है, क्योंकि मैंने पहले रिबोन भी रखी हुई थी यार। ये गाड़ियां जो है ना ऐसे साफ है जैसे आरक सीट है, मतलब जितना मैंने आरक सीट खर्चा कराती है ना पेट्रोल का, उतने ही सिविक कराती है, थोड़ा सिविक थोड़ा सा कम करती है लेकिन आर से थोड़ी ज़्यादा नहीं, बल्कि सेम ही है यार। आर से मैं नपता पड़ी हूँ क्योंकि मैं जो भी है, लेकिन यार सिटी यार पेट्रोल एसी लगा के आप गर्मी में जाओ 24 घंटे गाड़ी स्टार्ट रखो यार, आपकी एक जहनी टेंशन नहीं होती कि पेट्रोल खत्म होगा इसका, कोई खत्म नहीं होना पेट्रोल वादू होता है इसमें, मतलब खत्म ही नहीं होता, हो भी जाता है, कहने मतलब है कि यार कम लगता है यार। आप बात को समझो, पेंट के लिए खड़ी करते हैं उसके बाद निकालते हैं गाड़ी, क्योंकि टाइम भी बहुत छोटे चल रही है आजकल हमारे पास, पता है हमारे से निकलते स्टिकरिंग करा के आते हैं, वाश कराते हैं, खत कराते हैं, पैसा रात का नहीं सोया हुआ और आपका भी किसी वक्त भी डेड हो सकते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना। मैंने खड़ी कर दी है अरे सिटी हमने खड़ी यार, गर्मी हो गई है भाई सिटी के बाद, अब हम जा रहे हैं वापस घर, हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है, अभी से खस्ता हो गई, सिर्फ वहाँ से यहाँ तक आए हैं, इधर तो ज़्यादा ही खस्ता हो जाए, शीशे नीचे कर ले यार, रोज़ा तो शिद्दत का लग रहा भाई मुझे। अरे सिविक में तो सेंसर का मसला आता है, जैसे आपको तो बंद हुए थे बीच राह में साथ छोड़ जाते हैं। ये देखिए आपके मैंने नमाजों का अलार्म लगाया हुआ है, ये लिखा हुआ दोहर DHUHR आ रहा है ना, तो ये देखें बड़ा 12 बजे 3 मिनट या के महीने लगाया हुआ है, ठीक है ना, हर चीज़ के अलार्म लगाए हुए हैं, ठीक है, पहले पहले के ताकि मुझे आधा घंटा तैयार होने में लग गया था, सोया होता मैं तो देखा आपको भाई प्रोग्रेस देख रहे हो। ये बंद हो गई थी गाड़ी दोबारा हमारी, तो सही मौके पर हुई है कि ये जानने वाले मेरी दुकान थी यहाँ पे फुल पीछे से आए थे बत्ती चौक से, तो यहाँ पे आके बंद हुई, मैं शुक्र है यहीं पर रेंगते 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 यहाँ पे आ गई, ऑन दी रोड बंद हो गई, तो आप वो चेक करवा रहे हैं क्या मसला है,
फिर उसके बाद निकलते फिर आ रहे सीट का, लेकिन बड़ी सख्त तैयार हो गया तो ट्रैक पे कैसे जाएंगे। थोड़े से बैठ हुए हैं वो ऐसे हुए हैं कि गाड़ी का काम होगा थोड़ा लंबा, यानी दो सेंसर कह रहा हूँ, दो मतलब डायग्नोज वगैरह इसको करना शुरू करेंगे हम, और उसके बाद दो इसके एरर आ रहे हैं वो बग्स वगैरह निकालने हमने इसके, और एक इसका फ्यूल पंप पे ना पेट्रोल सही नहीं जा रहा। अब या तो वो जो क्या कह रहे हैं पाइपिंग वगैरह है वो सारी चेक करेंगे खोल के, या तो फ्यूल पंप ख़राब है, दोनों में से एक ऑप्शन है। गाड़ी स्टार्ट करो ना तो एकदम से कंप्यूटर बंद हो जाता है, साथ छोड़ जाता है, तो ये सारा जो है ना अब खोल के एक ही दफ़ा चेक होगा, तो फिर ये सारी गाड़ी मैकेनिकल क्या ना इंजन वाइज ठीक हो जाएगी। इस बार रह जाएगा इसके माउंटिंग ख़राब है दो अगले, उस बार राइट साइड पर थोड़ी बहुत चीज़ें वो ख़राब है, गोटी शायद पता नहीं, वो खोल के पता लगेगा मुझे, उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसके बाद गाड़ी में 0% वर्क होगा, यानी कोई काम नहीं होगा, गाड़ी 10/10 हो जाएगी। और हैवी के समय रोज़ा लग रहा है, आज टेम्परेचर जा रहा है 38 जा रहा है, और हम सुबह आपके बिना सोए भूख प्यास बुरा हाल। मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे इतना कभी गुस्सा नहीं आया होगा यार, मैं सिटी नहीं छोड़ के आया और मैं आर एक्स सीट की चाबी सिटी में छूट के आ गया और उधर ही रखा आया, और अब मैं इतनी गर्मी में वापस जाऊँगा वो चाबी लेने, चाबी लेके फिर वापस आऊँगा। फिर मैंने एक जगह काम जाना स्टिकरिंग नहीं करवा रहा, शेख को मैं कॉल करके कह दूँगा टायर तू लेता, हम स्टिकरिंग फिर कभी करा लेंगे, भाई बहुत गर्मी रोज़ा बड़ा सख्त लग रहा है। ओह फक, साइड लोग भी नहीं खोला आपके भाई ने, क्या बनेगा हमारा दुनिया में यार। ये दूसरी बाइक है आपका भाई सेल कर देगा, वो बोले चलाएगा, और ये मैं इसलिए कर दूँगा ये नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है, चलाता मैं हूँ नहीं, जंगार ही लगना खड़े खड़े। किधर है अरे किधर है, उफ अल्लाह इसने खपाया सारा। मैं आ गया मुझे ठंड से, बहुत ठंड पड़ी है बाहर, बड़ी हैवी किस्म की शदीद किस्म की, इतनी तेज ठंड पड़ी है ना मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता। वो बस कपड़े लेके आने ठंड के, जैकेट जूटे लेके आने ताकि मुझे ठंड कम लगे। बातों की बात है, मैं जितना अपना रंग साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ धूप की वजह से उतना ही काला हो रहा है। इतना से एक वजह, अब देखना मैं घर जाऊँगा रात तक फिर काला हो जाऊँगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ खुद पे, टायर ना पंक्चर हो बस ही अल्लाह ने तुम्हें। ओ यार गाड़ी कहाँ से निकालूँ मैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जी फर्स्ट स्टार्ट किंग रेक्सी, आप लोग देख सकते हैं, और ये फुल मेरा ये गंदा हुआ है LCD, लेकिन इट्स ओके, अभी मैं इसी लगा सकता हूँ, गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट है जो कि बिल्कुल भी कोल्ड नहीं है, गर्मी इतनी तेज है कोल्ड। वापसी पर गाड़ी वॉश के लिए खड़ी कर देंगे। आर एस की जो अच्छी बात यह ना कि इसका एसी बहुत चिल्ला है यार, लाइक इसका एसी में कहता तो आप चला के ना चाहे जितनी मर्जी गर्मी है बस जाओ जिधर जाना आप पहुँच जाओगे आराम से, लाइक जैसे सिटी का ना वैसे, लेकिन बस ये अगर सिटी का मेरा पेट्रोल नहीं है इसका, फिर एसी लगाया तो बस पेट्रोल भी भुगतना पड़ेगा आपको, लेकिन फिलहाल गर्मी इतनी मैं एसी वगैरह जा भी नहीं सकता, तो इसी टायर में हवा भरा के ऐसे ही जाते हैं, पेट्रोल भी है इसके अंदर थोड़ा सा, बाकी हम साफ सारी के बाहर डलवा लेंगे। पहले मैं सोच रहा था गाड़ी वॉश करवा लूँ, फिर मैंने कहा यार कल गाड़ी जब डिटेल करानी है, फिर बार वॉशरूम करूँ कल भी करानी है, और गाड़ी वैसे भी कपड़ा नहीं गंदी तो हो ही जानी थी, तो कल तक फायदा नहीं था, मैं कल एक ही दफ़ा ही कराऊंगा, भाई जाते हैं गाड़ी खड़ी करते हैं घर सुकून से, और काशी जी सो जाते हैं सारी के बाद उठते हैं, ताकि आपको तवानाई चुस्ती कूट कूट के फड़ी हो, ताकि आपके पीछे पुलिस फड़े तो आप भाग सको, नहीं तो फिर अपने आप को सेंटर कर देना। निश्चिंत से यहाँ पे है, चांद साहब को पकड़ा है, या एक गाड़ी भी हमने घर खड़ी करनी है, वैसे बारिश की जरूरत तो नहीं है, साफ सुथरी लग रही है, और ये किट भी पेंट हो गया, अब इसकी साइड पैनल भी पेंट है सारे, और इसके अलावा ये भी देखें जैसे क्रैची वगैरह बच्चों ने मारा था ये भी कर दिया यार, पेपर कंपाउंड तो मार दे, ये अभी थोड़ी ना मारनी, मार दे अभी नहीं मारनी, अभी नहीं मारनी, ये भी सारा मतलब पेंट साइड पैनल, मतलब बॉडी किट्स जो है ना इसकी ओवरऑल मैंने पेंट करा ली एक ही दफ़ा, ताकि हाँ ओके।
अभी यही है कि भाई जैक लगाओ चुप करके, टायर पंचर हो गया ना। अब कभी फुल हैवी किस्म का जबरो नैंडो किस्म का रेडी हो गया, आ गया नीचे। और रेडी होके आने का मतलब ये है कि ये नहीं कि हम ट्रैक पे जा रहे हैं, ट्रैक पे तो हम जाते ही जाते हैं, पूरा अमन ट्रैक करना हमने इस दफ़ा। पूरा अमन करना मतलब नो रेसिंग नो पटाखे, हमने सबकी इज्जत करनी है, क्योंकि हमारे वहाँ पे इस्तकबाल के लिए हमारे डॉल्फिन वाले भाई होंगे, पुलिस वाले भाई होंगे, बहुत ज़्यादा भाई होंगे, कुछ हेटर्स होंगे जो शिकायतें लगाएंगे, तो हमने चीज़ से परहेज़ करना है। और उसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ, आ ट्रैक का आपका मैंने कम सोचा है। हाथी लड़ पड़ा, हाथी लड़ पड़ा, लड़ पड़ा पैर ही पैर ही। तो अब ये सीन है कि हम करेंगे कोशिश करेंगे किसी की सैरी हो जाए, ठीक है, किसी के पल्ले से, लेकिन नहीं भी होती तो चांस साहब तो नए बंदे हैं मार्केट में भाई, जरा करुण वादी हो जाए। चल अभी शर्मा तो खिला के ला, बाकी बाद में होगी। शर्मा खिला देगा भाई वो भी नहीं ओपन। अरे ये पार्सल आपको बिल्कुल रिसीव हुआ है, और इसको अभी खोलते हैं, चेक करते हैं कौन से शूज आए हैं। ओके, जिसके अंदर से ये निकले हैं द रियल लेदर शूज, इसका नाम है कैप्सियन शूज। तो पहले मैं इनका नंबर भी आपको दिखा दूं, और ये भी दिखा दूं, फिर अगर किसी ने लेने हो तो वो भाई बोल जी। ये शूज़ हैं, अब आप लोग चेक करें, फुल मैं कहता हूँ क्रोकोडाइल सीन हुआ हुआ हैवी किस्म का, ठीक है। तो अगर ये नौ नंबर है, हाँ ठीक है, मेरा साइज है, अगर मेरा साइज नौ नंबर है, किसी ने भेजना हो तो कोई मसला नहीं, अभी ईद के दिन काफ़ी दिन पड़े हैं। ईदी वगैरह भी भेजनी हो तो इशू नहीं है, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो भाई को, या फिर नहीं भी करना तो वो आप लोग देख लो कैसे भी बनी है। ये सीन है कि मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी ने ये लेने हो शूज़ वगैरह अपने कुर्ते के नीचे पहने हुए इसके पहले दिन, तो ये आपको मिल जाएंगे आपके भाई के रेफरेंस से, यानी आपके भाई का कोड के है, आपने कोड बताना है के नाम से, और आपको इस चीज़ 20% ऑफ में मिल जाएंगे। तो इसमें भी आप लोगों का ही फ़ायदा है, मैं चलो आप लोगों को बता दूँ, जिनके भैया ने लेने हैं तो वो ले लें, और बाकी इनका पेज भी है ऑनलाइन, ये आपको मैं दिखा चुका हूँ, वहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके ले सकते हैं। तो यहीं पे हो गया, और हमने क्या तरक्की करनी है यार, बाकी पवन तो हम नहीं हैं, बाकी बातें बहुत दूर की हैं। जा रहे थे हमने कहा छुप के, सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को वॉश करवा लें, वॉश ही खाली पानी मरवा लेंगे, कल डिटेल करवा लूँगा, फिलहाल पानी मरवा के निकलते हैं, वरना उन लोगों ने भी कॉपी करने लग जाना था, उन्होंने भी कहना हमने भी करानी, और टाइम सारा ज़्यादा हो जाना था। चलो ठीक है, हो गया जी वॉश हो गया, कपड़ा मार दे यार, चलो ठीक हो गया। अच्छा पहुँच गए थे माशाल्लाह, उसकी गाड़ी भी रेडी है, और शेख साहब हमारे हमेशा की तरह लेट हैं, और उसके अलावा शेख लेट है शेख चल रही थी कि आज कुछ ना कुछ मिलने लगा उसको, इधर तू भी लेट है, मैं भाई लेंस लगा के गाइस, ये गैंग इकट्ठा हो गया हमारा, आप लोग चेक करें, सारी की सारी प्रोफेशनल आवाम यहाँ पे हो। श्याम भाई आओ, हेलो यू, मेरा फ्लैट कैसा है भाई? मैं उधर अंदर से आया हूँ, बाहर कहाँ से? अंदर आया से, अंदर के घर मैं जरा कैसे ये लो, ठीक हो? मैं ठीक ठाक, आप तो आ गए, आ गया ठंडा भाई, आपकी गाड़ी बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। See trees.
the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. पता थी देर से मैंने व्लॉग क्यों बनाया था। इधर आ जरा, मेरा फोन इस काले ने पकड़ लिया था और यकीन माने पीछे पुलिस पड़ी, बड़ा कुछ हुआ, डॉल्फिन पड़ी, बड़ा सीन हुआ था, मैं भाग कर आया हूं। ओए तू काला हो गया, ये लो जी बात को ये देखे जी, काम उमर साहब के इसको क्या हुआ है, I'm not afraid of the dark.
बात मार क्या बड़ी जा रहा है ये अब थंबनेल लगा लगा रोफी वाले हमारे भाई हैं यार देखो गलती हो गई माफी दे दो मैंने यूं मेरा कोई गैंग शैंग नहीं है जैसा आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं हम जस्ट फन के तौर पर के लिए आते हैं वो अलग बात है सीन थोड़ा बैड हो जाता है हर दफ़ा ही लेकिन इंशाल्लाह भाइयों से भी मिल के ज़रा कोई बातचीत करेंगे वो अलग बात है रेस में नहीं कर रहा था इस दफ़ा सॉरी बहुत बहुत मज़ा था लोगों से कि रात को लोग सी तरह एंड नहीं कर पाए क्योंकि वीडियोज़ भी मिल रही थी वीडियोज़ गुम गई हैं सारे जो बना रहे थे इतनी ज़्यादा बनाई थी बीच में डुल्फी वाला सीन हो गया भागने वाला हो गया इस आगे मैं क्या करता लेकिन खैर जो भी है वीडियोज नहीं मिली इसलिए सही था मैं अब लोग एंड भी नहीं कर पाया लेकिन मदद है लेकिन धमकी फिर भी वही है लाइक कमेंट सब्सक्राइब और साथ ही कमेंट में लव यू हो गया बस ब्लॉग अच्छा बहुत अच्छा है नहीं अच्छा तो भी अच्छा है ये बात जहन में आप लोगों ने बिठा लेनी है इसके लिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल नोट्स बनाऊंगा वो नोट्स पढ़ने आप लोगों ने कौन कौन से कमेंट्स करने हैं वो फिर आप लोगों ने किया करने नीचे ठीक है वो भी इंशाल्लाह जल्दी रिलीज कर देगा आपका भाई कमेंट लाजमी करना दूसरी बात कि डॉल्फिन वाला सीन ये हुआ था कि उन यार कुछ पता नहीं यार मैं क्या कहूँ नहीं बोलना चाहिए लेकिन खैर दफ़ा करो जो भी है अब हम ट्रैक पे आरएफ डी लेके जाएंगे ज़रूरी है कि ना ही लेके जाएं तो बेहतर है हमारे लिए बेहतर है नहीं तो एवं ये ना हो गए ईद ख़राब हो जाए समझ रहे हो ना आप लोग बस अब ईद आ गई ईद पर भी नहीं जाना मैंने मैं वैसे भी हुंदा जा रहा हूँ अब कहाँ मिलता हूँ मैं बड़ी देर बाद जाके मिलूंगा तो जो भी है ठीक है यार आप लोग अपना ख्याल रखो भाई के लिए भी दुआ किया करो भाई में दूर जाता है अभी मैं नीचे आता गाड़ी ना निकालने के लिए गाड़ी निकालनी थी आगे सामने खड़ी है तो मैं सोया ही उठ के आया हूँ बस लाभ भी सब्सक्राइब कर ले रहा हूँ कि